माँ के प्यार की कहानी। तो दोस्तों लास्ट तक सुनिएगा, माँ के लिए कहानी है तो इग्नोर मत करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहती है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच का ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना चाहती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है। माँ तो हर वक्त अपने ही संतान के बारे में अच्छा सोचती है कि किस प्रकार उनके संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। तो आइए दोस्तों माँ के प्यार पर एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, अपनी माँ के लिए, हम सभी के माँ के लिए ये कहानी जरूर सुनिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन थॉमस अल्वा एडिशन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई। तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिशन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिशन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिशन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिशन का एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिशन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से एक शिक्षा जरूर मिली होगी, बहुत ही हार्ट टचिंग, दिल को छू लेने वाली कहानी थी दोस्तों। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कहानियाँ पाने के लिए, मेरा हमेशा सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों अपनी माँ के लिए मैं उम्मीद करूँगी आप सभी लोग अपनी माँ के लिए ये वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।